हेलो वेलकम गाइज, मैं हूँ खिलौद। आप देख रहे हैं टेक्निकल खिलौद यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीपीएन सर्विस के बारे में। वीपीएन सर्विस क्या होता है, इसे आप कैसे अपनी स्मार्टफोन या लैपटॉप पे यूज कर सकते हैं, इसका क्या फायदा है, आप इसे यूज करके कैसे अपनी ब्लॉक्ड साइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। आपका उम्मीद है मुझे आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। वीडियो को देखिए एंड तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए जाकर वहाँ पर हमें फॉलो करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीपीएन का जो फुल फॉर्म आता है वो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। मान लीजिए आप अपने फोन पे किसी हार्मफुल साइट के एक्सेस कर रहे हैं वीपीएन के थ्रू, तो होता क्या है, वो एक्चुअली एक कोडवर्ड पे ट्रांसफर होकर वीपीएन सर्वर के पास जाता है। वीपीएन सर्वर उसे गूगल को सर्च करके आपको जो है रिजल्ट दिखाता है। इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मैं एक हॉल पे बैठा हूँ, वहाँ पर 20 से 30 लोग बैठे हैं। मेरा दोस्त जो है मुझसे 2 सीट आगे बैठा है, मुझे उसे एक बात कहनी है, लेकिन मैं उसे खड़े होकर नहीं बोल सकता क्योंकि सारे लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन मुझे उसे पता नहीं चल देना है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, एक पर्ची पर लिख कर उस तक फेंक सकता हूँ, लेकिन वो पर्ची भी किसी दूसरे के हाथ लग सकते हैं। तो इसमें मैं क्या करूँ, एक आदमी को हायर करूँगा और उसे कोड वर्ड पे कुछ लिख के मैं उसको दे दूँगा और बोलूँगा कि मेरे दोस्त तक पहुँचा दे। तो वो आदमी भी जब भी पर्ची खोल के दिखेगा वो भी कोड वर्ड के भाषा नहीं समझ पाएगा, वो मेरे दोस्त तक पहुँचा देगा। मेरा दोस्त जो है वो कोड वर्ड समझता है और वो कोड वर्ड को मुझे रिप्लाई करके उसी आदमी से मेरे तक पहुंचा देगा। तो उसमें होता क्या है कि कोई किसी भी आदमी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरा जो बात है मैंने अपने दोस्त तक पहुंचा दिया। वीपीएन इसे ही काम करता है। आप जो भी साइट सर्च करते हैं वो एक कोडवर्ड के थ्रू इनक्रिप्टेड होकर वीपीएन सर्वर के पास जाता है। वीपीएन सर्वर उसके गूगल पर सर्च करके आपको जो है सर्च रिजल्ट दिखाता है। तो इसे आप अपनी स्मार्टफोन पर कैसे यूज कर सकते हैं, स्मार्टफोन पर यूज करने के लिए इस पर बहुत सारे एप्लीकेशन है। मैं एक एप्लीकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड करते हैं, बहुत ही आसान है। इसे जेडपीएन भी कहते हैं, जेडपीएन इस एप्लीकेशन का नाम है। जाइए जहाँ पर वहाँ पर आप ब्लॉग साइट को बिना किसी परेशानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि हैकर्स लोग इसे कैसे यूज करते हैं, अब जानते हैं हैकर इसे क्यों यूज करते हैं। मान लीजिए मैंने एक साइट हैक किया है, तो मैं क्या करूँगा, पुलिस से छुपने के लिए उसका जो आईपी एड्रेस और लोकेशन है उसे बंद कर दूंगा। लेकिन कैसे, इसे वीपीएन सर्वर के यूज करके आप अपने जो आईपी एड्रेस है या लोकेशन है उसे हैक कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे हैकर वीपीएन सर्वर का यूज करते हैं हैकिंग के समय। तो अब जानते हैं ब्लॉक्ड साइट। तो ब्लॉक साइट मान लीजिए हमारे इंडिया पे बहुत साइट ब्लॉक्ड है, लेकिन वो यूएसए पे ब्लॉक्ड नहीं है। तो इसमें होता क्या है, वीपीएन पे आपका जो कंट्री है वो चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक, आपको कुछ करना नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो होने के बाद गूगल जब देखता है कि ये यूएसए से आया है वो इसे परमिशन ग्रांटेड कर देता है, जो रिजल्ट है वो आपको शो करता है, लेकिन उसे नहीं पता चलता है कि इंडिया से आया है। तो ऐसे काम करता है वीपीएन। अगर आपको कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो नीचे कमेंट करिए और इस वीडियो को एक लाइक करिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अपडेट रहने के लिए। आज के लिए इतना दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।